तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट के टॉप 5 क्लोन गेम्स। तो गाइस ये पांचों गेम काफ़ी ज़्यादा एपिक हैं और भाई ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना भैया थोड़े व्यूज़ हम भी छाप लें। और वैसे भी पिछले कुछ वीडियोज़ तो बिल्कुल बेकार गई हैं, कुछ भी व्यूज़ नहीं आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही एक बार बना के देख लिया जाए। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोग वीडियो देख के चले जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज की जो हमारी 5th नंबर की गेम है उसका नाम है क्राफ्ट रनर। और गाइज ये गेम मतलब माइनक्राफ्ट जैसी नहीं है पर माइनक्राफ्ट पर ही बेस्ड है, सब्बे सफ़र की तरह गेम है। तो गाइज इसमें सबसे पहले स्टार्ट होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसके बाद आपको कुछ इस तरह मतलब टेंपल रन की तरह भागना है। और इसमें बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह चीज़ें आती जाती हैं, मतलब जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें भी ट्रीज़ वगैरह काटने होते हैं और गोल्ड वगैरह जमा करना होता है, और उसके बाद ये लास्ट में जाके एक स्ट्रक्चर बनाता कुछ भी, जैसा कि आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी गेम है और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसे रख लिया और ये नंबर 5 पर आती है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि आती है नंबर 4th की गेम। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस अब जो हमारी अगली गेम निकल के आती है उसका नाम है ड्रैगन क्राफ्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं ये कैसी गेम। तो गाइस गेम को स्टार्ट होने से पहले हमें अपनी एज डालनी पड़ेगी, तो आप अपनी जो भी एज है वो डाल लेना, अभी के लिए मैं कुछ भी डाल लूँ। तो चलिए गाइस एज को डाल के गेम को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अब गेम लोड हो रही है और देखते हैं क्या आएगा गेम के अंदर। यहाँ पे ऐसे ड्रैगन वगैरह की फ़ोटो है, तो शायद गेम ड्रैगन से ही रिलेटेड है क्योंकि नाम और इंटरफेस दोनों में ही ड्रैगन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं। और भाई गेम स्टार्ट हो गई और गेम के इंट्रो में ही भाई शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिला मेरे को, देख सकते हो आप भी कितना ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं भाई गेम के अंदर क्या करना है। वैसे ग्राफिक ठीक ठाक है और ये यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है, तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं जंप वगैरह का, सब कुछ बता रहे हैं ये, पहले ट्यूटोरियल दे रहे हैं। और यहाँ पे ब्लॉक वगैरह लेना, रहे भाई ये तो सबको आता है। तो चलो भाई अब प्लेस करना सिखा रहे हैं, ब्लॉक प्लेस भी कर लेता हूँ। और भाई सचमुच में गेम में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। तो भाई अब स्टार्ट है किंगडम, हमें अपने किंगडम का नाम भी रखना है, तो अभी के लिए मैं कुछ भी रख रहा हूँ, अब आप अपनी मर्जी से रख लेना। और भाई अब पता नहीं ये हमसे एक अपना अलग ही घर बनवा रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करके देख लेता हूँ। और भाई कैमरा मतलब काफ़ी सही है, मतलब आप कैसे भी कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितने भी दूर ले जा सकते हो, देख सकते हो मतलब काफ़ी दूर तक भी ले जा सकते हैं हम। तो सही गेम है, ठीक ठाक है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस आज की जो हमारी 3rd नंबर की गेम है उस गेम का नाम है 13 क्राफ्ट। भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नाम है, मतलब अलग ही नाम रखा है डेवलपर ने। चलो कोई नहीं अब चल के गेम को देखते हैं कि गेम कैसी है। तो गाइस गेम की स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये गेम की कुछ सेटिंग्स है और काफ़ी सारे मोड है, मल्टीप्लेयर, सर्वाइवल, वर्ल्ड, क्रिएटिव, काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी सही गेम है। और भाई इस गेम ने माइनक्राफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आप अभी के लिए मैं दिखाने के लिए आपको पहले एक क्रिएटिव वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस गेम तो अभी मैंने स्टार्ट कर लिया और आप सब देख ही सकते हो भाई इसमें प्लेयर का हाथ बिल्कुल रियल वाला है। और भाई गेम में ग्रास काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मेरे को, और भाई एक मिनट ये इसकी काव देखो कितनी ज़्यादा रियल लग रही है, मतलब भाई जैसे माइनक्राफ्ट में स्क्वायर होती है सब चीज़, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें गोल वगैरह सब कुछ है। और भाई काफ़ी सही काव लग रही है, मतलब ग्राफिक वगैरह भी ठीक है पर गेम में थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल रहा है मुझे, मतलब थोड़ा बहुत से तो थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, मतलब गेम फ्रीली नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी माइनक्राफ्ट है लैग के मामले में। और गाइस इसकी शेप भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियल इलास्टिक फीलिंग देती है। और भी चीज़ें चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। और गाइस इसमें बब्बर शेर भी देखने को मिल जाएगा आपको, देख सकते हो। और भाई इसमें माइनक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स है, एनिमल्स मॉब्स मतलब बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग मॉब्स वगैरह हैं और बहुत कुछ है, अभी देखो मैं आपको और दिखाता हूँ।
तो गाइस सबसे पहले आप इसकी इन्वेंट्री में देख सकते हो, सब कुछ मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक वाली दी हुई है, टेक्सचर बिल्कुल रियल वाले दिए हुए हैं। देख सकते हो आप, इतने अच्छे माइनक्राफ्ट के भी नहीं है जितने इस गेम के हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस गेम में मतलब स्क्वायर, जैसे माइनक्राफ्ट में सिर्फ स्क्वायर का यूज़ है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी शेप यूज़ कर सकते हैं, ये गोल वगैरह इन्होंने सारी शेप यूज़ की हुई है, और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई। और अब गाइज एक दो मॉब स्पॉन करके देखते हैं। सबसे पहले आयरन गोलम, भाई इसका आयरन गोलम कुछ अजीब सा ही है, डरावना सा है देखने में, और भी कोई मॉब स्पॉन करके देखते हैं। तो गाइज इसमें एक स्पॉन आएगा जिसमें मम्मी निकलती है, देख सकते हो आप भाई, इसमें मम्मी का भी स्पॉन आएगा, और मम्मी और आयरन गोलम की लड़ाई हो गई। चलो भाई इन्हें छोड़ो, लड़ने देते हैं और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस आज की जो हमारी सेकंड नंबर की गेम है उसका नाम है क्राफ्ट वर्ल्ड, और भाई ये गेम भी काफ़ी सही है, तो चलिए देखते हैं कैसी गेम है। तो गाइस गेम के स्टार्टिंग में हमें माइनक्राफ्ट जैसी एक पीछे वीडियो चलती हुई दिखती है, और इसमें हम अपनी खुद की कुछ भी स्किन ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी स्किन लूँगा, और भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसकी सेटिंग्स भी देख सकते हो बिल्कुल माइनक्राफ्ट के जैसी ही है, बस कलर वलर में थोड़ा डिफरेंस है। और चलते हैं गेम के अंदर क्या क्या है। तो गाइज मैं गेम में आ चुका हूँ, और गेम का ट्रीज तो भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाले हैं, और वर्ल्ड भी माइनक्राफ्ट के जैसा ही है, बस ग्रास ब्लॉक वगैरह थोड़े अजीब से ही हैं इसके, माइनक्राफ्ट के थोड़े अच्छे से लगते हैं। और भाई वुड के टेक्सचर तो बिल्कुल सेम ही हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेम है। और भाई एक मिनट, ये कौन सी वुड है? अब कोबल स्टोन है भाई, मैं कह रहा ये कौन सी वुड आ गई ऐसे टेक्सचर वाली। तो चलो गाइज अब और भी चीज़ें चेक करते हैं इस गेम। बट गाइज एक बात है, गेम के अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है गेम। तो एक बार TNT लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या माइनक्राफ्ट जैसा इतना ज़्यादा लैग होगा या नहीं। तो गाइज TNT तो लगा दिया, अभी इग्नाइट करते हैं और देखते हैं कि क्या लैग देखने को मिलेगा हमें गेम के अंदर। और भाई इतना ज़्यादा कुछ भी लैग नहीं देखने को नहीं मिला हमें, इतना ज़्यादा क्या, पर एक चीज़ है गेम के अंदर भाई, ग्रास बहुत ज़्यादा आप सब देख ही सकते हो, दूर दूर तक सिर्फ ग्रास दिख रही है, तो ये चीज़ काफ़ी बेकार है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो गेम में मतलब थोड़ी बुरी हैं, वो आप खुद चेक कर लेना और चीज़ें देख ले। और गाइज इस गेम में बेचारी मुर्गियों की आँखें ही नहीं डाली, बताओ गाइज कितनी बेकार चीज़ है। और इसका कलर भी अजीब सा है, येल्लो येल्लो वाइट नहीं है, येल्लो सा है थोड़ा, तो ये चीज़ भी बेकार सी लग रही है। और गाइस पिक को देखो भाई, इसका तो ऐसा लग रहा है जैसे कलर ही उड़ गया हो, पता नहीं बेचारे के साथ क्या कर दिया डेवलपर ने। चलो कोई नहीं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस आज की हमारी लास्ट और फर्स्ट गेम जो आती है उसका नाम है क्राफ्ट मैन, और भाई ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं इसके प्ले स्टोर पर। और देखते हैं चलो कैसी गेम है। तो आप सब देख सकते हो गेम का कुछ ऐसा इंटरफेस है, ये सेटिंग्स है गेम की, तो गेम्स की सेटिंग देख ली, अब देखते हैं भाई गेम कैसी है। तो गेम बाहर से भी कुछ ऐसी है, मतलब भाई माइनक्राफ्ट की तरह पीछे वीडियो चलती है, और मेरे पुराने वर्ल्ड भी जो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड हैं वो भी आ गए इसमें, तो पर ये खुल नहीं रहे। हम अपना एक न्यू क्रिएट करते हैं वर्ल्ड और देखते हैं कैसी गेम है ये। तो गाइस गेम के अंदर भी मैं आ चुका हूँ, और गेम भाई माइनक्राफ्ट जैसी लग रही है, गेम के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो बिल्कुल माइनक्राफ्ट के जैसे ही हैं, आप सब देख ही सकते हो। गेम तो ठीक है, ज़्यादा बुरी नहीं है, पर इन्वेंटरी थोड़ी अच्छी नहीं है, माइनक्राफ्ट से भी बुरी इन्वेंटरी है। और भाई एक मिनट, ये कौन सा ब्लॉक है? अच्छा स्टोन गटर है, और देख सकते हो ये मतलब माइनक्राफ्ट जैसी सी है, बस माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन के जैसी है, आप सब देख सकते हो इसे। और गाइज मुझे स्पॉन पॉइंट के पास ही एक विलेज भी मिल गया, लेकिन इसमें विलेज की एक बेकार बात है कि आप विलेजर से ट्रेड नहीं कर सकते कुछ भी चीज़, तो इन्हें विलेज मिलने का फ़ायदा नहीं है, और विलेज में लूट भी इतनी अच्छी होती नहीं है, ऊपर से इन्हें ये विलेजर बहुत बेकार है। और इसमें शायद से भाई आयरन गोलम भी नहीं स्पॉन होता विलेज में, क्योंकि मेरे को तो दिखा नहीं, तो शायद से नहीं होता आयरन गोलम इसमें स्पॉन। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।